ये जो सारी एग्जांपल्स हैं ये इंटरमिटेंट सिम्बायोसिस की, और इंटरमिटेंट सिम्बायोसिस को हम साइक्लिक भी कहते हैं। और इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये लाइफ साइकिल के एक पार्ट में, एक पोर्शन में ये सिम्बायोसिस जो है हमें देखने में मिलता है, नॉट थ्रू आउट द लाइफ। दूसरी सिम्बायोसिस जो हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में, दैट वाज द परमानेंट सिम्बायोसिस। और परमानेंट सिम्बायोसिस में वी डिस्कस दैट दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, वी कैन ऑब्जर्व दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर द कंप्लीट साइकिल ऑफ द लाइफ। और उसमें हमने शिप वर्म, मोलस्क की बात की, नेमाटोड वर्म की बात की, और इसमें ल्यूमिनस बैक्टीरियम के साथ इसका सिम्बायोसिस था, और यहाँ पे गिल सेल बैक्टीरियम के साथ, एंड वी टॉक्ट अबाउट इट। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक फ्रॉम द अदर डिटेल्स ऑफ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वी कैन कैटेगराइज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनटू टू टाइप्स। वन इज टर्म्ड एज अ पॉजिटिव, एंड नंबर टू दैट इज टर्म्ड एज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर आप यहाँ पे देखें अपनी स्क्रीन पे, दिस वन दैट इज अ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। पॉजिटिव रिलेशनशिप ऑफ सिम्बायोसिस, इनकी हमारे पास टोटल तीन एग्जाम्पल्स मिलते हैं, तीन टाइप्स के ये रिलेशनशिप में। वन इज द म्यूचुअलिज्म, नंबर टू इज द प्रोटोकार्पोरेशन, एंड नंबर थ्री इज द कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस। ये पॉजिटिव है चूंकि इसका मतलब है कि इस रिलेशनशिप में जो दोनों पार्टनर्स होंगे दोनों को बेनिफिट हो रहा होगा, किसी को हार्म, किसी को नुकसान नहीं हो रहा होगा, किसी के लिए कोई नेगेटिव रोल नहीं प्ले किया जा रहा होगा। दिस इज द इंडिकेशन। सो अगर हम म्यूचुअलिज्म की बात करें तो म्यूचुअलिज्म में जो दोनों पार्टनर, फॉर एग्जाम्पल हियर द पार्टनर ए एंड द पार्टनर बी, दे मोस्ट आर बीइंग बेनिफिटेड, ये दोनों बेनिफिट ले रहे हैं। और दिस रिलेशनशिप इज टर्म्ड एज द ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। ये ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, यानी कि द पार्टनर ए कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द पार्टनर बी, एंड द पार्टनर बी कैन नॉट सर्वाइव इवन विद द पार्टनर ए। सो दिस म्यूचुअलिज्म दैट इज एक्चुअली द पॉजिटिव सिम्बायोसिस, दिस इज एन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप इन विच बोथ ऑफ द पार्टनर्स दे आर बेनिफिटेड, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। इसके एग्जांपल्स हम आज के लेक्चर में ही आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स में। उसके बाद दूसरा पॉजिटिव रिलेशनशिप है, उसको हम कहते हैं प्रोटो कॉर्पोरेशन। प्रोटो कॉर्पोरेशन में क्या है कि दोनों पार्टनर्स, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, दे आर बीइंग बेनिफिटेड, लेकिन ये ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप नहीं है। अगर पार्टनर ए के साथ बी ना भी हो तो दोनों इंडिविजुअली भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पिछले केस में, म्यूचुअलिज्म के केस में, दोनों इंडिविजुअली ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर द ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। थर्ड वन दैट इज द कमेंसलिज्म। इन द केस ऑफ द कमेंसलिज्म द पार्टनर ए एंड द पार्टनर बी, देयर आर द टू पार्टनर्स, एंड इन द केस ओनली वन पार्टनर इज बेनिफिटेड बट द अदर पार्टनर नीदर इट्स बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, ना इसको कोई नुकसान है ना इसको कोई बेनिफिट है। दिस इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। अच्छा, अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं सिम्बायोसिस का पॉजिटिव रिलेशनशिप, तो ये याद रखिएगा कि पॉजिटिव रिलेशनशिप में किसी भी पार्टनर को नुकसान नहीं होता। सो दैट्स व्हाई दिस इज द हियर द टाइप कमेंसलिज्म। इसमें दोनों पार्टनर हैं, पार्टनर बी को बेनिफिट हो रहा है लेकिन पार्टनर ए को कोई भी हार्म नहीं हो रहा। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द पॉजिटिव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप: म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉर्पोरेशन एंड द कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म ऑब्लिगेटरी है, प्रोटोकॉर्पोरेशन नॉट ऑब्लिगेटरी है, और कमेंसलिज्म जो है दैट इज द रिलेशनशिप इन विच वन पार्टनर इज बीइंग बेनिफिटेड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सर नेग यस प्लीज सर प्रोटोकॉर्पोरेशन का एक दफा फिर बता दें, ये मतलब दोनों को फायदा होता है, दोनों एक दूसरे को मतलब हार्म किसी को भी नहीं होता, और या दोनों को बेनिफिट है लेकिन दोनों एक दूसरे को फायदा तो दे रहे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे ऊपर म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म में दोनों एक दूसरे को बेनिफिट तो दे रहे हैं लेकिन अगर दोनों में से कोई एक रिमूव कर दें, हम ए को रिमूव कर दें, सिर्फ बी है तो बी अकेला ग्रो नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत नेसेसरी कंपोनेंट्स जो हैं वो ए की तरफ से मिल रहे हैं, मेटाबोलाइट्स। लेकिन प्रोटो कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं है। प्रोटो कॉर्पोरेशन में बी इटसेल्फ ग्रो कर सकता है लेकिन जब वो ए के साथ ग्रो कर रहा होगा तो अच्छा ग्रो कर रहा होगा। सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर इट दैट कि दिस रिलेशनशिप इज नॉट ऑब्लिगेटरी एंड दिस रिलेशनशिप बोथ आर बेनिफिटेड, लेकिन दोनों ऑब्लिगेटरी नहीं है, दोनों का ऑब्लिगेशन नहीं है कि दे वुड ऑलवेज ग्रो टुगेदर। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके सो नेक्स्ट वन दैट इज अबाउट द नेगेटिव सिम्बायोसिस। दिस इज अबाउट द रिलेशनशिप इन विच वन होस्ट इज
affected negatively. So one partner is actually, I want to say, one partner is actually affected negatively, and other partner is unaffected. So in this case, the first example, that is the predation. This is the first type of the negative symbiosis. Number two, the parasitism. Number three, the amensalism. Number four, the competition. Predation, you guys are very familiar with the predation relationship, in which that one is the predator and the number two there is a prey, and the predator that would engulf the prey and that will destroy the prey and that will use it. तो इसमें क्या है कि सिर्फ प्रीडेटर को फायदा हो रहा है, दिस इज पॉजिटिवली बेनिफिटेड, बट प्रे जो है उसको हम किल कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि प्रे जो है दैट इज नेगेटिवली बेनिफिटेड. ओके, दिस इज द नेगेटिव सिम्बायोसिस एग्जांपल. नंबर टू जो है हमारे पास पैरासाइटिज्म है, और पैरासाइटिज्म जो है इसके अंदर वन इज द होस्ट, वन ऑर्गेनिज्म इज द होस्ट, एंड नंबर टू द सेकेंड ऑर्गेनिज्म दैट इज एक्टिंग लाइक अ पैरासाइट. सो होस्ट जो है, होस्ट को हमारे पास नेगेटिवली बाज का इफेक्ट कर रहा होता है, और जो पैरासाइट है दिस रिजाइड्स ऑन टू और इन टू द सेल्स ऑफ द होस्ट, एंड दैट पैरासाइट दैट इज टेकिंग द डाइट फ्रॉम द होस्ट एंड अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द होस्ट. और होस्ट जो है वो अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट होस्ट को कोई पॉजिटिव बेनिफिट नहीं हो रहा. ठीक है, होस्ट को कोई पॉजिटिव बेनिफिट नहीं हो रहा पैरासाइट से, लेकिन पैरासाइट जो है उसको पॉजिटिव बेनिफिट हो रहा है, और पैरासाइट जो है वो होस्ट को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा होता है. दिस इज अ पैरासाइटिज्म. नंबर थ्री दैट इज अमेंसलिज्म. अमेंसलिज्म में क्या है कि देर आर टू टू पार्टनर इन द रिलेशनशिप. वन पार्टनर इज अफेक्टिंग नेगेटिवली टू द अदर पार्टनर, बट द अदर पार्टनर इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द फर्स्ट वन. यहाँ पे अगर आप देखें, ए और बी दो पार्टनर हैं, दे आर इन द रिलेशनशिप. पार्टनर ए जो है दैट इज नॉट अफेक्टेड, बट द पार्टनर बी इज बीइंग अफेक्टेड बट नेगेटिवली. ठीक है, नेगेटिवली. अच्छा, उसके बाद है जी कंपटीशन. कंपटीशन थोड़ा सा डिफरेंट है इन सबसे. कंपटीशन में क्या है कि ये दोनों पार्टनर जो हैं ए और बी, दे आर ग्रोइंग इन टू द नेचुरल इन्वायरमेंट, और नेचुरल एनवायरनमेंट में ये ग्रो कर रहे हैं. नेचुरल एनवायरनमेंट में यू नो दैट देर आर लिमिटेड रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल, ये जहाँ पे हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज की हमने एक प्लेट बनाई है, दोनों पार्टनर जो हैं दे वुड ट्राई टू टेक दीज लिमिटेड रिसोर्सेज. हो सकता है कि ये न्यूट्रिएंट्स हों, तो दोनों पार्टनर जो हैं दे वुड ट्राई टू टेक दीज न्यूट्रिएंट्स. इसमें वो पार्टनर सक्सेसफुल होगा जो कि न्यूट्रिएंट्स को पहले ले लेगा. अब यहाँ पे आप याद कीजिएगा, हमने एक चैप्टर में पढ़ा था द रोल ऑफ द एंटीबायोटिक्स. और एंटीबायोटिक्स में मैंने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक्स में ये प्रोड्यूस होती हैं व्हेन द सेल इज इन द स्ट्रेस कंडीशन, और खास तौर पे जब लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों एनवायरनमेंट में. याद है किसी को, हमने इस पे बात की थी. और एंटीबायोटिक्स सेल तब प्रोड्यूस करता है व्हेन सेल इज इन द स्ट्रेस कंडीशन या लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स. अब मिसाल के तौर पे मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे जो पार्टनर बी है ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है. एंटीबायोटिक यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन मिसाल के तौर पर लिख लेते हैं. दैट इज प्रोड्यूसिंग द स्टेप्टोमाइसिन. और स्टेप्टोमाइसिन जो है ये क्या करेगी, ये पार्टनर बी को की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी. वेन एवर द पार्टनर बी वुड बी इनहिबिटेड, तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज जो थे न्यूट्रिएंट्स के, इसको पार्टनर बी नहीं खा सकेगा, और सॉरी पार्टनर ए यूज नहीं कर सकेगा, और पार्टनर बी जो है दैट वुड कंज्यूम इट. सो दिस इज अ स्ट्रेटेजी टू ग्रो इन द कंपिटिशन वेन एवर दे आर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म, दे आर ग्रोइंग इन टू द एनवायरमेंट वेयर द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. So they would try to produce the components that are inhibitory to the other competents, and ultimately they would try to get the maximum nutrients from the environment. Okay. Okay, sir, is that clear to all of you up to this point? सर ये प्रोटो कॉर्पोरेशन की आप एग्जांपल तो बता दें काइंडली. इसकी बेशुमार अभी एग्जांपल्स आएंगे, हमने इन सबको डिटेल में पढ़ना है. टुडे दिस जस्ट अ समरी, इनको डिटेल में बात करेंगे हम. जी बच्चे, सिर्फ पैरासिटिज्म में और एमेंसलिज्म में यही फर्क है कि बस पैरासिटिज्म में होस्ट यूज होता है. या एक्चुअली आई वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू गाइस, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. डू यू थिंक इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन बिटवीन देम? अगर आप देखें सर, होस्ट का ही है. तो अगर यहाँ पे होस्ट आप किसको कह रहे हैं, द सेल दैट इज गिविंग अ बेनिफिट टू द पैरासाइट,
सिर्फ पैरासाइट रिजाइड करते हैं ना होस्ट के अंदर, वो तो हार्म करते हैं। हाँ देखें, एक फर्क ये है कि पैरासाइट जो होस्ट है इस केस में, होस्ट बेनिफिट दे रहा है पैरासाइट को, लेकिन जो अमेंसलिज्म है इसमें पार्टनर ए बेनिफिट नहीं ले रहा, बेनिफिट नहीं ले रहा लेकिन बी को हार्म कर रहा है, ये भी तो फर्क है ना इसमें। ओके हाँ, अच्छा, सिर्फ हार्म कर रहा है, बेनिफिट नहीं ले रहा। बेनिफिट नहीं ले रहा, अगर बेनिफिट ले रहा था तो इसके ऊपर प्लस का साइन होता, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं हमने लिखा हुआ। ओके सर, ठीक है, ठीक हाँ है, तो सो बता दो। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन दैट इज एक्चुअली वी हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ दिस समरी दैट इज अबाउट द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एंड वी हैव कैटेगराइज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन टू डिफरेंट कैटेगरीज, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एटसेट्रा। एंड पॉजिटिव की हमने डिटेल में देखा है कि तेरा थ्री क्लासेज, नेगेटिव की फोर क्लासेज, एंड पॉजिटिव की तीन क्लासेज में क्या रिलेशनशिप है वो हमने बात की है। अगला जो है दैट इज नाउ वी हैव नाउ वी विल वी विल टॉक टॉक वी विल टॉक अबाउट म्यूचुअलिज्म इन डिटेल, और हम वन बाय वन अब इन सबको, जितनी हमने ये पीछे क्लासेस देखी हैं, इन क्लासेस को डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वी वुड स्टार्ट विद द म्यूचुअलिज्म, एंड एज वी हैव डिस्कस्ड म्यूचुअलिज्म दैट इज अ रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन विच द बोथ पार्टनर्स और बोथ मेंबर्स दे आर टेकिंग द बेनिफिट, बोथ टेकिंग द बेनिफिट, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ बोथ टेकिंग बेनिफिट्स, और हम यूँ कह सकते हैं कि दिस इज द रिलेशनशिप इन विच द रेसिप्रोकल बेनिफिट अकर्स, रेसिप्रोकल टू बोथ पार्टनर्स, और इट मीन्स दैट इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट दिस बोथ पार्टनर्स आर मेटाबोलिकली डिपेंडेंट, दे आर मेटाबोलिकली डिपेंडेंट। कैसे कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे पार्टनर ए है दिस वन, एंड दिस वन इज द पार्टनर बी, तो ये पार्टनर ए जो है ये मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में कुछ मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करेगा, मेटाबोलाइट्स, ये मेटाबोलाइट्स हैं दे विल बी एक्टिंग एज अ न्यूट्रिएंट्स फॉर द पार्टनर बी, और फिर कुछ मेटाबोलाइट्स ये प्रोड्यूस करेगा जो कि इसके लिए न्यूट्रिएंट्स के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, और इस केस में हमारे पास दोनों प्रॉपरली पॉजिटिवली बेनिफिटेड है। इसकी बड़ी कॉमन एक एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज द प्रोटोजोन टर्माइट रिलेशनशिप। यू नो दैट द टर्माइट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे आर इन्वॉल्व इन द वुड डिके, एंड दे ग्रो इन द वुड एंड दे ईट द वुड, जिसको हम उर्दू में टर्माइट को क्या कहते हैं, आप कोई बता सकते हैं? दीमक सर। दीमक सर, या बिल्कुल यार, राइट, टर्माइट। तो टर्माइट का प्रोटोजोन के साथ रिलेशनशिप, टर्माइट इज एक्चुअली अनएबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज, यू नो दैट वुड पार्ट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, एंड जब भी टर्माइट जो है वो वुड को खाती है तो सेलुलोज इनटेक करती है, सेलुलोज को टर्माइट जो है वो इनटेक कर तो लेती है लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्यों क्यों सेलुलोज को, सेलुलोज मैंने यहाँ पे सेल्यू स्पेलिंग मेरे गलत हो गया, सेल्यूलोज दिस वन, सेलुलोज को टर्माइट इज अनएबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज, क्यों, क्योंकि टर्माइट के अंदर सेल्यूलेज एंजाइम नहीं है, एंड दिस सेल्यूलेज एंजाइम इज द एंजाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द सेलुलोज, एंड दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोन, प्रोटोजोन क्लास से बिलोंग करता है दिस वन, और इसमें हमारे पास रिक्वायर्ड सेलुलेज मौजूद है। अब होता क्या है कि दिस प्रोटोजोन दैट यूज टू रिजाइड इन द गट ऑफ द टर्माइट, गट ऑफ द टर्माइट, टर्माइट के गट में सेलुलोज आता है, और प्रोटोजोन जो है ये सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसके रिजल्ट में ये सेलुलोज की ब्रेकडाउन करता है, टर्माइट के लिए सेलुलोज को कन्वर्ट करता है सिंपल ग्लूकोज में, और जिसके रिजल्ट में टर्माइट जो है वो एनर्जी लेती है, और अल्टीमेटली टर्माइट जो है वो न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटेक्शन और यस न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्रोटोजोन्स को। तो दिस इज अ सिंबायोटिक रिलेशनशिप जिसका नाम है म्यूचुअलिज्म, बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, प्रोटोजोन क्या कह रहा है वो सेलुलोज, सेलुलेज प्रोड्यूस कर रहा है, सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है जिसको टर्माइट यूज कर रही है, और टर्माइट क्या कह रही है
कि वो अल्टीमेटली प्रोटोजोन को न्यूट्रिएंट्स और प्रोवाइड कर रही है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अब म्यूचुअलिज्म की तो ये कंडीशन है हमारे पास कि अगर हम इन दोनों पार्टनर में से किसी एक को रिमूव कर दें तो दूसरा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसकी बड़ी कॉमन एग्जाम्पल इसको अगर हम देखते हैं तो हमने क्या किया कि लैब के अंदर वी टुक अ जार विद द वुड चिप्स एंड हाई ऑक्सीजन। एक लैब के अंदर हमने एक जार के अंदर वुड चिप्स लिए और साथ ही वुड चिप्स के साथ हमने उसके ऊपर टर्माइट्स डाल दी, और टर्माइट्स डालने के बाद साथ ही हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड, ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन प्रोवाइड कर दी। अब जो ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन है दैट इज टॉक्सिक फॉर द प्रोटोजोन, ठीक है। अब इस हाई कंसंट्रेशन की मौजूदगी में प्रोटोजोन की डेथ हो जाएगी, लेकिन इस हाई ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो टर्माइट है वो ग्रो कर रही है, बट उसके अंदर जो मौजूद प्रोटोजोन है वो डाई कर चुके हैं, डेथ हो चुकी है। अब हो क्या रहा है कि जो 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 टर्माइट है वो वुड चिप्स को यूज तो कर रही है, लेकिन चूंकि उसके अंदर प्रोटोजोन किल हो चुके हैं तो वुड चिप्स को यूज नहीं कर पा रही टर्माइट अपनी एनर्जी के लिए, और फिर अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद स्टार्विंग कंडीशन की वजह से टर्माइट की भी डेथ हो जाएगी। तो इट इट प्रूव दैट कि दोनों पार्टनर्स जो हैं एक दूसरे के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते, प्रोटोजोन्स भी और टर्माइट्स भी। प्रोटोजोन्स को अगर हम किल कर देंगे तो अल्टीमेटली टर्माइट किल हो जाएगी, अगर हम टर्माइट को किल कर देंगे तो चूंकि प्रोटोजोन्स तो रहे ही उसके अंदर रहे हैं, दे आर टेकिंग द प्रोटेक्शन एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टर्माइट, तो उनकी भी डेथ हो जाएगी। सो दैट्स वाई दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द म्यूचुअलिज्म। ओके, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क अप टू दिस पॉइंट, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर, यस चलो सर। अच्छा, सो इफ वी मूव नेक्स्ट, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी और इसमें डिटेल बताना चाह रहा हूँ कि व्हेन वी टॉक अबाउट द म्यूचुअलिज्म एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द टर्माइट विद द प्रोटोजोन, और यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटोजोन है इसमें खास तौर पे जो प्रोटोजोन है, प्रोटोजोन इसमें फ्लैजिलेट्स होते हैं। यू नो दैट प्रोटोजोन्स की कोई 5 to 6 क्लासेस हैं, तो इन क्लासेस में फ्लैजिलेट्स जो हैं वो टर्माइट के साथ इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो प्रोटोजोन्स हैं नॉर्मली ये फ्लैजिलेट्स जो हैं ये कन्वर्ट करते हैं सेलुलोज को कार्बोहाइड्रेट्स में, और जो कार्बोहाइड्रेट सर है वो आपकी आगे। स्क्रीन में शो हो रही, ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक आया हुआ है अच्छा नहीं, मैंने बस भी यार। स्क्रीन वही वही जो स्लाइड है ना, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, मैं अगली स्लाइड पे गया ही नहीं हूँ अभी, ठीक है, उसी स्लाइड पे बात कर रहा हूँ। तो या आई वाज टॉकिंग अबाउट फ्लैजिलेट्स, दे यूज टू ब्रेक द सेलुलोज इन टू द कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दे वुड मेटाबोलाइज इन टू द एसिड्स, जैसा कि हमारे पास एसिटेट्स वगैरह हैं ऑक्सीडाइज होंगे उसके अंदर, और फिर टर्माइट जो है वो इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करेगी। सो दिस वाज द एग्जांपल, दिस वाज द बेस्ट एग्जांपल एक्चुअली फॉर द म्यूचुअलिज्म। अच्छा आगे अगर हम चलते हैं इसके अंदर, इसी को मजीद एक और एग्जांपल अगर देखते हैं, एन अदर एग्जांपल फॉर अस दैट इज द लाइकन्स। लाइकन्स, व्हाट आर द लाइकन्स, कोई बता सकता है? पढ़ा हुआ आपने लाइकन्स? सर ये एल्गी और सर फंजाई का कॉम्बिनेशन है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। या लाइकन दैट इज अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी प्लस फंजाई। इसमें जो फंजाई है, बिकॉज यू नो दैट फंजाई दैट कंटेन्स द सेल वॉल्स एंड दैट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ फंजाई की सेल वॉल किस चीज से बनी होती है जी? काइटिन काइटिन, यस। और दूसरा हमारे पास इसमें एल्जी है पार्टनर, और अब फंजाई में जो हमारे पास फंजाई के ग्लास एस्कोमाइसीट्स है उसमें से फंजाई और एल्जी होता है, या साइनोबैक्टीरिया, दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, और दे फॉर्म अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप दैट इज टर्म्ड एज द लाइकन्स। और इस केस में हमारे पास जो फंगल पोर्शन है, सॉरी जो एल्गल पोर्शन है, जो 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 पोर्शन हमारे पास एल्जी है उस पार्ट को हम कहते हैं फाइकोबायोंट,
और जो माइक्रो जो 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 फंगल पोर्शन है उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोंट। अच्छा अब जो एल्जी है या जो फाइकोबायोंट है नॉर्मली ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक है, और दिस नॉर्मली प्रोड्यूस प्रोड्यूसेस द एनर्जी विद द प्रोसेस ऑफ द फोटो सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, और उस फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में वी कैन हैव इट कैन हैव एक्चुअली अलॉट ऑफ फूड एंड द डाइट। अब उस फूड और डाइट को यूज करेगा फंजाई, और फंजाई अल्टीमेटली क्या प्रोवाइड करता है, फंजाई प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्श एनवायरमेंट्स, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, जिन न्यूट्रिएंट्स पे ग्रो करता है एल्जी, और इस तरह से दिस इज द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम। अच्छा अब होता यूँ है कि जो जो फाइकोबायोंट है यानी कि जो एल्गल पोर्शन है ये ग्रो करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उस फूड या एनर्जी को माइकोबायोंट यानी फंजाई अपटेक करता है बाय स्पेशल स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड हिस्टोरिया। दीज आर द स्पेशल स्ट्रक्चर्स विच हैव एबिलिटी टू इंटीग्रेट इन टू द एल्गल पोर्शन एंड अपटेक द प्रीपेयर्ड डाइट, एंड दिस इज टर्म्ड एज दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज हिस्टोरिया। ये फंजाई में होता है, और फंजाई इस स्ट्रक्चर के थ्रू एल्जी से डाइट अपटेक करेगा। अब ये जो लाइकन्स हैं, बेसिकली लाइकन्स आर वेरी मच स्पेसिफिक इन देयर करेक्टरिस्टिक्स, ये याद रखिएगा कि लाइकन्स बहुत स्पेसिफिक हैं अपनी करेक्टरिस्टिक्स में, इतने स्पेसिफिक हैं कि वी हैव असाइंड सम जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम टू लाइकन्स। यू नो दैट अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर्स में, कि हम डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम असाइन करते हैं। अब चूंकि जो लाइकन है ये इटसेल्फ, जो लाइकन है इटसेल्फ ऑर्गेनिज्म नहीं है, लाइकन इज अ कम्बिनेशन ऑफ एल्जी एंड फंजाई, लेकिन लाइकन्स की करेक्टरिस्टिक्स इतनी स्पेसिफिक होती हैं, इतनी मतलब उनकी वो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं जो कि वेरी नहीं करती, इस वजह से ना वी आर एबल टू असाइन द स्पेसिफिक नेम्स टू द लाइकन। हम जेनेरिक जीनस नेम और स्पीशीज नेम जो है वी हैव प्रोवाइडेड द नेम्स टू द लाइकन्स, और लाइकन्स के हमारे पास बेशुमार वराइटीज मौजूद हैं जो कि अवेलेबल हैं, और उसमें से कुछ लाइकन्स जो हैं वो एडिबल भी हैं, उनको खाया भी जा सकता है। ठीक है, दिस इज एन इमेज फॉर द लाइकन्स दैट आर ग्रोइंग। तो ये एक हमारे पास बड़ी कॉमन सी फिगर है, आपको बहुत सारी बुक्स में ये फिगर जो है अवेलेबल होगी। सो दिस इज अबाउट द लाइकन्स। Up to this point, if you have any questions, you may ask. Okay, no questions. So coming next, this is an other example. This is actually the third example of the mutualism, and this is called the sulfide-based mutualism. Okay, this mutualistic relationship can be observed in the deep trenches of the ocean, and ओशन की डीप ट्रेंचेस में हम इसको देखते हैं। दिस इज द एसोसिएशन ऑफ केमोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया, केमोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया विद द ट्यूब वर्म्स, केमोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया का ट्यूब वर्म्स के साथ। वी हैव डिस्कस दैट केमोलिथो, ये आपको याद होगा जहाँ पे हमने पढ़ा था फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक, फोटो या फोटो हिटोट्रॉफिक, और साथ ही हमने केमो ऑटोट्रॉफिक और केमोलिथोट्रॉफिक पढ़ा था, बैक्टीरिया की टाइप्स पढ़ी थी। तो ट्यूब वर्म्स और केमोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया का जो रिलेशनशिप है, दिस इज आल्सो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, एंड दिस रिलेशनशिप एक्चुअली इन दिस रिलेशनशिप बोथ ऑफ देम आर बेनिफिटेड, ट्यूब वर्म्स भी और केमोलिथोट्रॉफिक्स भी। और ये जो है ये ओशन की डेप्थ्स में नजर आता है हमें, कैसे, अगर आपको ये फिगर में दिखा सकूँ। अच्छा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो पोर्शन है ना यहाँ तक का, हियर दिस वन, यहाँ से ऊपर ओशन स्टार्ट हो रहा है, समंदर स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो नीचे है इसको आप कह सकते हैं ओशन बेड, समंदर की तह है ये ओशन बेड, और ओशन बेड में बिल्कुल नीचे जहाँ पे ये अर्थ कोर है, दिस इज द मैग्मा हिटिंग सी, ये मैग्मा है यहाँ पे। अब होता है क्या है समटाइम्स कि जो वाटर है ये
ये ओशन बेड के अंदर यहाँ से सीप थ्रू करता है, यहाँ से सीप थ्रू करता है, मैग्मा के साथ हीट अप होता है और यहाँ पे उसका टेम्परेचर तकरीबन पहुंच जाता है कोई 350 डिग्री सेंटीग्रेड में। और इसके बाद ये जो वाटर है यहाँ से एक 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 हाइड्रोथर्मल वेंट की फॉर्म में ऊपर समंदर की तरफ निकलता है, हियर दिस वन सी वाटर में। तो हमारे पास जो ट्यूब ट्यूब वर्म्स होते हैं ये यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, दीज आर द ट्यूब वर्म्स हियर, दीज आर द ट्यूब वर्म्स। ठीक है, अब ये जो ट्यूब वर्म्स हैं चूंकि इस एरिया में यहाँ पे जो वाटर का टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड हियर यहाँ। अच्छा, अब ये ट्यूब वर्म्स यहाँ पे ग्रो करते हैं और इन ट्यूब वर्म्स के इन साइड में किमोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। कैसे, यहाँ पे अगर आप देखें दिस इज अ ट्यूब वर्म और ट्यूब वर्म के दरमियान यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उसके इन साइड में। और ये बैक्टीरिया कर क्या रहा है, दैट इज एक्चुअली यूजिंग द सल्फाइड, द हाइड्रोजन सल्फाइड। एक्चुअली ये ट्यूब वर्म जो है ये सराउंडिंग की सल्फाइड को कन्वर्ट करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड में, और ये जो बैक्टीरिया इन साइड में है दे वुड बी यूजिंग द हाइड्रोजन सल्फाइड टू रिड्यूस द कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड आई, ये सल्फाइड आया, ये देखें, फिर साथ में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सल्फाइड की एनर्जी को यूज करते हुए इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि एक्चुअली है इनऑर्गेनिक कार्बन, इसको ऑर्गेनिक कार्बन में फिक्स किया। अब ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ट्यूब वर्म, इसको फिक्स कर कौन रहा है, बैक्टीरिया। किस प्रोसेस से कर रहा है, दैट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कैल्वन साइकिल। कैल्वन साइकिल से आप फेमिलियर हैं, और कैल्वन साइकिल आपने गालिबन FSE में पढ़ा होगा और बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। कैल्वन साइकिल में हमारे पास फॉस्फोग्लिसराइड काइनेज है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इसके अलावा ट्रांसकेटोलेज, राइबोज फॉस्फेट आइसोमेरेज है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे रिबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज है जिसको हम रुबिस्को भी कहते हैं, रुबिस्को। तो एक्चुअली आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन दैट कि दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दैट इज ऑब्जर्व इन द कोर्स ऑफ द ओशन। एंड इसमें हमारे पास ट्यूब सर वर्म्स की, एक मिनट रहिएगा, ट्यूब वर्म्स की जो गट है उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को, इनऑर्गेनिक कार्बन को फिक्स कर रहे हैं ऑर्गेनिक कार्बन में। कैसे कर रहे हैं, विद द यूज ऑफ एनर्जी दैट इज इन द सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड की एनर्जी को यूज करते हुए, और उसके रिजल्ट में जो ये ट्यूब वर्म्स हैं अल्टीमेटली दे आर गेटिंग द एनर्जी, और इस एनर्जी की वजह से ट्यूब वर्म्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। ओके, सर बैक्टीरिया को तो रोल पता लग गया, अब ट्यूब वर्म्स क्या बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं? यस, ट्यूब वर्म जो है अल्टीमेटली बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और बैक्टीरिया वहां पे अगर ग्रो करने के काबिल हैं तो दिस इज जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट ट्यूब वर्म। ओके, जी सर। अच्छा, अब एक एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि वी आर अनएबल टू कल्टीवेट दिस एसोसिएशन इन टू द लैब्स। अभी तक भरपूर कोशिशों के बावजूद वी आर अनएबल टू ग्रो ऑल ऑफ दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ द ट्यूब वर्म्स विद द बैक्टीरिया, हम इसको अभी तक लैब में कल्टीवेट नहीं करवा सके। वी आर जस्ट एबल टू ऑब्जर्व दिस म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप इन टू द नेचुरल हैबिटेट, और ये नेचुरल हैबिटेट जो है दैट इज प्रेजेंट इन द डेप्थ ऑफ द ओशन, और इसमें खास तौर पे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज बारबाडोस ट्रेंच, ये बारबाडोस ट्रेंच में हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दैट इज, और द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप दैट इज बीइंग ऑब्जर्व देयर। ओके, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड द डिटेल्स ऑफ द म्यूचुअलिज्म वेरी ब्रीफली, अभी इसके और एग्जाम्पल्स भी आ रही हैं। आज हमने म्यूचुअलिज्म की एग्जाम्पल्स पर बात करनी है, और यहाँ पे अगर आप देखें इसके साथ साथ ये जो बेड से बहुत सारे और न्यूट्रिएंट्स भी जो हाइड्रोथर्मल वेंट में पहुँच रहे हैं उसमें आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, सल्फर, सिलिकॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड आउट। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज अबाउट द म्यूचुअलिज्म, दिस इज द मीथेन बेस्ड म्यूचुअलिज्म, मीथेन बेस्ड म्यूचुअलिज्म। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द एसोसिएशन और इन द रिलेशनशिप्स इन विच देर आर द मीथेन फिक्सिंग बैक्टीरिया
एंड दे यूज टू फिक्स द मीथेन गैस एंड इसमें इसमें एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू प्रोवाइड द ऑर्गेनिक मैटर टू द कंज्यूमर्स और जो फूड चेन में जो फर्स्ट स्टेप है प्रोड्यूसर से जब हम कंज्यूमर्स की तरफ जाते हैं तो उसमें फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज एक्चुअली द मीथेन फिक्सेशन इन द मिक्स मीथेन फिक्सेशन वी प्रोवाइड द ऑर्गेनिक मैटर टू द कंज्यूमर्स और इसमें जो रोल प्ले करते हैं वो है मिथेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया और ये मसल्स के साथ मसल्स आर द क्लास ऑफ द एनिमल्स आर यू फेमिलियर विद इट मसल्स सर ये फाइलम स्पंजिस में आते हैं फाइलम में स्पंजिस में आते हैं स्पंजिस अलग से फाइलम है हाँ नहीं वो अच्छा सही ठीक है ये इसमें नहीं आते हाँ तो मसल्स एंड स्पंजिस इन दोनों के साथ एसोसिएशन हो सकता है मेथेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया का एंड दे प्रोड्यूस एंड फिक्स द मेथेन गैस फॉर देम एंड दे यूज टू बेनिफिट इट और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फिर बारबाडोस ट्रेंच की बात आती है दिस इज एक्चुअली द ट्रेंच दैट इज 4,943 मीटर्स डीप इनटू द ओशन एंड देयर मेथेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया दे आर एक्चुअली ग्रोइंग एंड दे आर एक्चुअली The fixing the methane gas with the sponges and with the mussels. ठीक है? अच्छा यहाँ पे अगर मैं मज़ेद थोड़ा सा इस पे बात कर सकूँ आप लोगों के साथ about the methanogens या methane fixing bacteria. तो इसमें ओके तो जो मिथेनो ट्रॉफ्स हैं या मिथेन फिक्सिंग मटेरिया हैं एक्चुअली ये मिथेन को फिक्स करते हैं चूंकि दे आर प्रेजेंट इनटू द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और ये जो ये मसल्स के जो फ्लैशी गिल्स हैं उसके अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इसके साथ साथ ये बैक्टीरिया जो हैं ये जिन मसल्स में पाए जाते हैं ये मसल जो हैं ये कार्निवोरस भी होते हैं सो ये मसल जो है ये बैक्टीरिया के साथ साथ दूसरे सोर्सेस से भी एनर्जी लेते रहते हैं सो दीज मसल्स एंड दीज स्पंजेस दे आर नॉट एग्जैक्टली डिपेंडेंट अपॉन दे आर नॉट सोलली डिपेंडेंट अपॉन द बैक्टीरिया दे कैन गेट द एनर्जी अलॉन्ग विद द मिथेनोट्रॉफ्स विद द अदर सोर्सेस दे कैन यूज द अदर सोर्सेज और ये जो बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन द फ्लैशी गिल्स ऑफ द मसल्स एंड द स्पंजेस अच्छा अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो चूंकि वी हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द म्यूचुअलिज्म अभी तक हमने तीन एग्जांपल्स पढ़ी हैं गालिबन एक उसके अंदर मिथेन बेस्ड म्यूचुअलिज्म है उसके बाद सल्फाइड बेस्ड है फिर उससे पहले हमने प्रोटोजोन और टर्माइट का पढ़ा उसके साथ साथ हमने लाइकन का पढ़ा वी हैव टॉक्ड अबाउट एक्चुअली द फोर एग्जाम्पल ऑफ द म्यूचुअलिज्म इसके बाद जो पांचवी एग्जाम्पल है हमारे पास दिस इज एक्चुअली द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द इंसेक्ट्स अ लॉट ऑफ इंसेक्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द नॉर्मल हैबिटेट दे हैव द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर आप बात कर सकें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ इनका म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है और हम इस रिलेशनशिप की अगर वन बाय वन बात करें एक एक तो इसमें बड़ी कॉमन एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर दी है दैट इज द टर्माइट एंड बैक्टीरियल टर्माइट और बैक्टीरिया टर्माइट और सॉरी टर्माइट और प्रोटोजोन्स उस केस में जो 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 एसोसिएशन है इसको भी हम कहते हैं कि दिस इज एसोसिएशन ऑफ द इंसेक्ट विद द इंसेक्ट एसोसिएशन विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिस इज अ म्यूचुअलिस्टिक दूसरी एग्जाम्पल इसके अंदर हमें हमारे पास आएगी दिस इज एक्चुअली अबाउट द बुशनेरा एफिडिकोला और साथ ही साथ एफिड्स की बात करेंगे और वुलबिशिया पपेंटिस की बात करेंगे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस एग्जांपल के अंदर सो देयर इज एन एफिड व्हिच इज देयर टू यूज द फ्लूइड्स ऑफ द प्लांट्स ये एफिड है जो कि फ्लूइड्स ऑफ प्लांट पे ग्रो करती है अच्छा अब ये जो एफिड है इसके साथ साथ कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो के एनिमल एनिमल फ्लूइड्स पे ग्रो करते हैं ये हम बात कर रहे हैं इंसेक्ट्स की सो दीज इंसेक्ट्स दे कैन यूज दे कैन एक्सट्रैक्ट द एनिमल फ्लूइड्स एज वेल एज द
फ्लूइड ऑफ द प्लांट्स. अब होता क्या है कि ये फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट तो कर लेते हैं लेकिन दे आर अनएबल टू डीग्रेड एंड टू डाइजेस्ट दिस फ्लूइड. सो देर आर अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिजाइड इन टू दीज इंसेक्ट्स, जैसे कि बुशनेरा एफडिकोला, दिस इज अ बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन साइड द एफिड. और ये बैक्टीरिया क्या करता है कि इट प्रोड्यूसेस द अमाइनो एसिड्स, ट्रिप्टोफैन, खासतौर पर ट्रिप्टोफैन को प्रोड्यूस करते हैं, और जिसकी वजह से जो जो नेसेसरी अमाइनो एसिड की सप्लाई है एफिड्स के लिए, जो कि प्लांट फ्लूइड से पूरी नहीं हो रही, वो बुशनेरा एफिडिकोला जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं. और उसके रिजल्ट में बुशनेरा एफिडिकोला जो बैक्टीरिया है दैट इज टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द एफिड एंड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द एफिड. इसके अलावा जो दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल आती है, दिस इज अबाउट द वुलबिशिया पपेंटिस, और ये एक और बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है दैट इज प्रेजेंट इन साइड एनी अदर इंसेक्ट. और ये इतना वहाँ पे इफेक्टिव है, इतना ये कंट्रोल कर सकता है और इतना एफिशिएंट है कि इट कैन कंट्रोल द रिप्रोडक्शन द इंसेक्ट्स इन विच इट इज लिविंग. दिस इज द म्यूचुअलिस्टिक, डेफिनेटली ये म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर होगा. अब सवाल ये है कि वुलबिशिया जो है दैट इज वेरी इफेक्टिव, इवन इट कैन कंट्रोल द रिप्रोडक्शन. तो क्वेश्चन ये आता है कि अल्टीमेटली वुलबिशिया को क्या फायदा हो रहा होगा, वुलबिशिया इंसेक्ट की रिप्रोडक्शन तक को कंट्रोल कर रहा है, तो अल्टीमेटली वुलबिशिया को क्या बेनिफिट हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने से वुलबिशिया को क्या बेनिफिट हो सकता है? भाई आप लोगों को समझ आ रही है? सर समझ तो आ रही है लेकिन इस पे आइडिया नहीं आ रहा अभी. चलिए आइडिया की तो खैर है, मुझे जरा देख लेना क्लास में और बैठा कौन कौन है. जी सर आ रही है. जी सर. यस सर. ओके रिदा, रिदा आर यू देयर? रिदा अथर इज शी देयर? Okay, she is not there. Sir, Sajid, are you there? Sir, एक question है. मैं भी लेता हूँ question, सब के लेता हूँ. Just give me a second. Sir, Sajid, are you there? She is also not there. Uzair, are you there? Uzair नहीं है, रिदा नहीं है, सहर नहीं है. जिरवा राहत, are you there? She is also not there. Karamat Hussain. Yes, sir. Karamat, को समझ आ रही है? Yes, sir. Good. और सैरिश पत्रस, are you there? बच्चे are you there? Yes, sir. Are you getting this lecture? Yes, sir. Okay, good. Miss Namra Khalik. Nimra is not. Okay, Nimra is there. Nimra, कुछ समझ में आई है बात? जी सर. चलें ठीक है. जी बच्चे किसने क्वेश्चन करना था वो बताया. सर कुछ था ये करा था कि ना ये जो हमारे फाइनल्स होने हैं तो सर हमारा जो उन्होंने मिड्स यूनिवर्सिटी वालों ने लिए ही नहीं है, आप लोगों ने हमसे असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स लिए हैं जो कि हमारे सिलेबस जो हमारा मिड्स का था उस पे से भी नहीं, तो हम सारा इतना कैसे तैयार करेंगे? बच्चे अभी आपने लेक्चर से अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना था बेटा, हम लेक्चर पे बात कर रहे हैं, मतलब किस तरह की रिलेवेंट बात कर रही है. सर टाइम खत्म हो जाता है फिर आपसे बात ही नहीं हो पाती है. कल हो जाएगी लेकिन अभी थोड़ा सा लेक्चर का ज़हन बना हुआ है, जस्ट गिव मी अ सेकंड टू वाइंड अप द लेक्चर ना. अब समझ रही हैं? अच्छा बात करते हैं. हाँ, डोंट वरी अबाउट इट, वी कैन टॉक अबाउट इट. अच्छा जी, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लेक्चर? सो आई हैव फ्लोटेड अ क्वेश्चन दैट व्हाट कुड बी द एडवांटेज टू द वुलबिशिया बाय लिमिटिंग द रिप्रोडक्शन बाय कंट्रोलिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ द इंसेक्ट इन विच दिस इज ग्रोइंग. एनी आइडिया अबाउट इट?
इन्वायरमेंट को तो नहीं कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा किसी तरह से? नहीं, इसकी एक सर्टन रीजन है। देखें, बाय लिमिटिंग द सेक्सुअल वेरिएबिलिटी, एक्चुअली ये जो हमारे पास वल्बिशिया है ये सेक्सुअल वेरिएबिलिटी को लिमिट करता है, और इसके रिजल्ट में इट वुड क्रिएट मोर स्टेबल ए सेक्सुअल इन्वायरमेंट, और उसके रिजल्ट में अगर सेक्सुअल वेरिएबिलिटी कम होगी, एक ही स्टेबल ए सेक्सुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, तो उसके रिजल्ट में जो बैक्टीरिया है हमारे पास दैट माइट बेनिफिटेड। देखिए अब होगा क्या कि जैसे ही ए सेक्सुअल सॉरी जब जब जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती रहेगी तो हर जनरेशन में वेरिएशन आएगी, वेरिएबिलिटी आएगी, और ये वेरिएबिलिटी जो है ये वोल्बिशिया को नए सिरे से अडॉप्ट करने पे मजबूर करेगी अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। लेकिन अब वोल्बिशिया क्या कर रहे हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने नहीं दे रहा, जिसके रिजल्ट में एक बड़ा स्टेबल और ए सेक्सुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है जो कि इंश्योर करता है वोल्बिशिया की लॉन्गर टर्म मेंटेनेंस को। ओके, तो दिस इज द रीजन, एंड इन 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 दिस एस्पेक्ट वोल्बिशिया दैट इज बीइंग बेनिफिटेड। तो दिस इज अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप दैट वी हैव टॉक्ट अबाउट टुडे। जी सर, लेकिन इससे इसको डिसएडवांटेज नहीं होगा कि ये अगर सेक्सुअल वेरिएबिलिटी को मतलब कम कर रहा है तो उनकी रिप्रोडक्शन नहीं हाँ होने दे रहा, तो ये भी तो रिप्रोड्यूस फिर नहीं हो सकेगा क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म तो कम होते जाएंगे। नहीं, वो कम नहीं होंगे, दे आर रिप्रोड्यूसिंग एसेक्चुअली, इंसेक्ट्स है ना, दे कैन गो फॉर दैट, और इस वजह से उसमें फिर वेरिएबिलिटी कम है, तो इसी वजह से ये स्ट्रेन जो है दैट इज गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द एसेक्चुअल स्टेबल एनवायरनमेंट। तो सर फिर एवोल्यूशन तो नहीं हो सकती इसमें किसी तरह भी, क्योंकि देखिए ना जेनेटिक चेंजेस थोड़े से भी नहीं आ रहे, और फिर तो अगर किसी भी जगह सडनली कोई आ जाए तो ये अल्टीमेटली इन द लॉन्गर टर्म्स इंसेक्ट के लिए नेगेटिव हो सकता है, जिस इंसेक्ट में ये ग्रो कर रहा है ऑन द लॉन्गर टर्म्स, लेकिन इन द शॉर्टर टर्म एंड द करंट सिचुएशन अगर देखें तो इंसेक्ट को कोई उसका नुकसान नहीं है, बट इन द लॉन्गर टर्म यू कैन से दैट यू आर राइट एक्चुअली कि इंसेक्ट के अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आ रही और हमारे पास कोई वेरिएशन नहीं आ रही, जिसकी वजह से वी कैन से दैट कि इंसेक्ट को नुकसान हो सकता है, लेकिन द लॉन्गर टर्म बहुत लंबे टाइम तक के बाद। ओके सर। चलें गुड, सो मुझे अटेंडेंस दे दें जी। अच्छा मुझे अब बताएं आप में से कौन बात कर रहा था, वो मिड टर्म्स वाली और फाइनल टर्म वाली? सर मैं